हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स रैंडम। आज जो मैं आपको टॉपिक करवाने वाली हूँ ये सिर्फ किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ही नहीं, बल्कि अगर आप जनरल नॉलेज के लिए भी साइंस पढ़ते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एज यू ऑल नो कि हमें ना कोई बीमारी होती रहती है, और जो अभी का जो टाइम पीरियड चल रहा है, जैसे कोरोना का टाइम है, ऊपर से पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, और भी मतलब जो डाइट है वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, हेल्दी नहीं रहती, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिलावट की होती हैं, तो उन सब की वजह से ना हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। अब जो बीमारियाँ हैं ना, उनके होने की वजह क्या होती है? मेनली कोई भी जो बीमारी होती है आपकी बॉडी में, उसके फोर रीजंस होते हैं, मतलब चार उसके कॉजिटिव एजेंट्स हैं जिसके थ्रू या जिसकी वजह से वो बीमारी हमारी बॉडी में आती है। अब फर्स्ट जो है वो है वायरस, ठीक है, उसके अलावा प्रोटोजोआ, फंगस। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हाँ, कोई बीमारी आपको अगर हो रही है तो वो इस वजह से हो रही है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पास कॉजिटिव एजेंट्स दे रखे हैं। उसके बाद में आज की जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपको ये करवाने वाली हूँ कि जो आपके फोर कॉजिटिव एजेंट्स हैं उनमें से किस वाले एजेंट से कौन सी बीमारी होती है और क्या वजह होती है, ठीक है। नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट वन जो मैंने इसमें दे रखा है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं, बट वैसे बैक्टीरिया वर्ड बहुत कॉमन है, इतनी बार बोला जाता है तो ये सबको समझ में आता है। अब इसमें देखिए, बैक्टीरिया की वजह से जो आपको बीमारी होती है, सिर्फ एक सिंगल एजेंट है बैक्टीरिया, और उससे देखिए कितनी सारी बीमारी है। ये जो सारी यहां से लेके यहां तक की जो जितनी भी बीमारियां हैं ये सारी किससे होती हैं? बैक्टीरिया से। अब इनमें से बहुत सी ऐसी कॉमन बीमारियां हैं जो आपने सुनी होगी, और कुछ ऐसी होंगी जिसके नाम आपने शायद सुने नहीं हो, शायद देखी हो, तो कुछ ऐसी बीमारियां जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे सपोज आपको कोई बीमारी दे दी जाए, डिजीज दे दी जाए, 4 to 5 डिजीज दे दी जाए, और उसके बाद में पूछा जाए कि इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है या किस वजह से होती है, कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, ठीक है, तो इस चीज में आपको पता होना चाहिए। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जैसे बैक्टीरिया आपको दे दिया जाए, पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया है, अब उससे कौन सी बीमारी होती है, तो उसमें से आपको इन सब बीमारियों के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई भी आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है। नाउ सबसे पहली चीज है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है, इसको हिंदी में जीवाणु कहते हैं। इससे कौन कौन सी बीमारी होती है? सबसे पहली है डिफ्थीरिया, सेकेंड गोनेरिया, नेक्स्ट वन इज कोलेरा, नेक्स्ट टाइफाइड। कोलेरा को हिंदी में हैजा कहते हैं, हैजा वर्ड ज्यादा कॉमन है, ये आपने सुना होगा। टाइफाइड, उसके अलावा लेप्रोसी, लेप्रोसी का मतलब होता है कुष्ठ रोग होना, ठीक है। इसके बाद में टेटनस, और इसका आपको पता होगा कि इसका ना इंजेक्शन भी लगवाया जाता है टेटनस का, ठीक है, टेटनस। उसके बाद में प्लेग या फिर ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस को टीबी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस के अलावा आता है वूपिंग कफ। वूपिंग कफ का मतलब होता है कुकर खांसी या फिर काली खांसी, ठीक है, बहुत ही डेंजरस होती है ये। इसके अलावा निमोनिया। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो मतलब कि इनमें से कोई भी बीमारी अगर आपसे पूछी जाती है और उसकी वजह अगर आपको पता होनी चाहिए तो वो है बैक्टीरिया। इनमें से कोई भी बीमारी आपको दे दी जाए और उसे रीजन मांगे जाए तो उसका आंसर हमेशा बैक्टीरिया होगा, हिंदी में इसको जीवाणु कहते हैं। बैक्टीरिया के बाद में जो सेकंड पॉजिटिव एजेंट है, टोटल 4 होते हैं, फर्स्ट हो गया, बचे 3। सेकंड जो पॉजिटिव एजेंट है वो है वायरस, ठीक है। वायरस कोरोना का आजकल चल ही रहा है, ये तो सबने बहुत ही अच्छे से सुना ही होगा, ठीक है। नाउ वायरस नंबर सेकंड पे आता है। वायरस, वायरस से ना हमारे पास ये टोटल ये वाली डिजीज होती है। फर्स्ट है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का मतलब होता है छोटी माता, बड़ी माता, ये आपने सुना होगा। माता वर्ड, इसमें क्या होता है कि जो बॉडी है ना उसमें रेड कलर के ना स्पॉट्स बन जाते हैं, ठीक है, तो चिकन पॉक्स का मतलब छोटी माता। मीजल्स, मीजल्स का मतलब होता है खसरा। इसके बाद में नेक्स्ट आती है एड्स। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो 4 पॉजिटिव एजेंट्स है, इसके बाद में मैं आपको कुछ ऐसे मेडिकल टर्म्स है जैसे एड्स है, एसटीडी है, एचआईवी है, इनकी फुल फॉर्म करवाऊंगी, उसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नाउ एड्स, उसके बाद में आता है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को चेचक कहते हैं। इसके बाद में येलो फीवर। मम्स, मम्स का मतलब होता है कंट्रोल, मतलब गले में कुछ दिक्कत आना। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का मतलब क्या होता है? श्लेष्मिक ज्वर, मतलब कि जैसे वायरल फीवर होता है ना, टाइप ऑफ ये इन्फ्लुएंजा होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है डेंगू फीवर। इसके अलावा लास्ट आता है रेबीज। तो ये जो कुछ बीमारियां हैं ये किसकी वजह से होती हैं? वायरस की वजह से। मतलब कि कोई ऐसा इंसेक्ट है या कोई एनिमल है जिसने आपको बाइट किया, काटा, और उसकी वजह से, उसकी जो सलाइवा लार थी उसके थ्रू उसमें जो वायरस था वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो गया, जिसकी वजह से आपको ये कुछ बीमारियां हो गई। बैक्टीरिया और वायरस के बाद में जो नेक्स्ट पॉजिटिव एजेंट है वो है फंगस, ठीक है। फंगस से 2 डिजीज मेन होती हैं, एक होता है एथलीट्स फूट और रिंगवॉर्म। ये दोनों में क्या, रिंगवॉर्म का मतलब तो होता है दाग,
दांत खुजली इसकी ऐड भी आपने सुनी होगी, तो वो रिंग वॉर्म जो होता है जैसे बॉडी पे बहुत ज्यादा रैशेज हो जाना, उसमें ईचिंग होना, खुजली होना। इसके अलावा जो एथलीट्स फुट है ये क्या होता है, इसमें जैसे पैर है ना उसमें किसी भी एक पोर्शन पे स्पेशली जहाँ पे फिंगर्स होती है वहां पे एक ना जो स्किन होती है पैर की वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, फिर उसको निकाला जाता है। तो ये एथलीट्स फुट है उनमें ज्यादा जो शूज बहुत ज्यादा टाइम तक पहने रहते हैं उस की वजह से भी ये प्रॉब्लम होने की चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में फंगस के बाद में नेक्स्ट आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को हिंदी में भी प्रोटोजोआ ही कहते हैं। इसकी वजह से जो डिजीज होती है वो होती है मलेरिया। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस मतलब कि नींद की बीमारी हो जाती है, तो बिल्कुल आती ही नहीं है नींद या फिर बहुत ही कम नींद आती है, तो स्लीपिंग सिकनेस। उसके बाद में काला अजर और अमेबिक डायसेंट्री। अमेबिक डायसेंट्री का मतलब होता है अमेबिक पेचेस, डायसेंट्री का मतलब होता है पेचेस। ठीक है, ये बीमारी आपने सबने सुनी होगी। तो ये जो वीडियो है ना जिसमें मैंने आपको 4 पॉजिटिव एजेंट्स करवाए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड ये प्रोटोजोआ, तो ये एग्जाम किसी भी अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि एक छोटी सी वीडियो में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो प्लीज वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इसके बाद में जो ये 4 पॉजिटिव एजेंट्स हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, 4 पॉजिटिव एजेंट्स में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड प्रोटोजोआ, ये टोटल 4 पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं जिससे मोस्टली जो हमारे बॉडी में जितने भी बीमारियां होती हैं वो इन 4 की वजह से ही होती हैं। इसके बाद में कुछ मेडिकल टर्म्स है जिसकी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जाती है, मैंने 3 लिखवाई है यहाँ पे। जैसे फर्स्ट है एड्स, ये मैंने क्वेश्चन में भी इसमें डिजीज में भी बताया था। एड्स की जो फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके बाद में एचआईवी, एचआईवी की होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसके बाद में एसटीडी, एसटीडी की जो फुल फॉर्म होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब ये जो बीमारियां है ना ये कुछ मेडिकल टर्म्स है जिस बीमारी की आपको फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो इसमें क्या होता है कई बार आपसे फुल फॉर्म दी जाती है उसके बाद में आपसे बीमारी पूछा जा सकता है, बट 90% क्वेश्चन कैसे आता है आपसे ना ये वाली जो टर्म्स है लाइक एड्स, एचआईवी, एसटीडी इनको दे दिया जाता है और उसके बाद में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल टर्म्स थी। उसके अलावा पॉजिटिव एजेंट्स थे जिसके पॉजिटिव एजेंट्स और उनकी डिजीज थी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।